आज 9 अगस्त है और आज से रेलवे ALP का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे GS में आज के डेट में, वो मैं लेकर आया हूँ। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हाथ जैसे लगा मैं वैसे आपको लेकर आया हूँ। वो सारा क्वेश्चन देख लीजिए, जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम्स है इसके हिसाब से आप तैयारी करने में लग जाइए। जो भी समय बचा है इसके हिसाब में ही तैयारी करिए, क्योंकि इसके आसपास से ही क्वेश्चन आने वाला है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन वित्त मंत्री से रिलेटेड था। अब वित्त मंत्री से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन जान जाइए वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं पीयूष गोयल, अतिरिक्त प्रभार इनके पास है। हालांकि वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जिनका तबीयत ख़राब है और वो छुट्टी पर हैं, जिसकी वजह से वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल के पास है। एक क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इस वक्त अध्यक्ष हैं थॉमस बैच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है उसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। एक और चीज़ जान जाइए एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूँ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा, ठीक है। क्वेश्चन में तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के बारे में पूछा था, लेकिन एक्स्ट्रा में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो भी ध्यान में रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपको आपसे। 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये क्वेश्चन में आया था, ठीक है। 2018 बोल रहा हूँ, 2018 का अभी नहीं मिला है, 2017 का, ठीक है। 2018 का जो है अक्टूबर में अनाउंस होगा। 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? काजुओ इशिगिरो को, ठीक है। ये क्वेश्चन में आया हुआ था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार में पीस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में किसे किसे मिला है वो सभी देख लीजिए। पीस में मिला है आइकन को, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। फिजिक्स में मिला है बैरी बैरिश, रेनरविस और कीफ थोमे को। नोबेल में कौन सा पुरस्कार किसे मिला है वो सभी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। केमिस्ट्री में मिला है रिचर्ड हैंडरसन को, जोकिम फ्रैंक को और जैक्स डिबोचेट को, ठीक है। साइकोलॉजी फिजियोलॉजी या फिर इसको मेडिसिन बोलते हैं, इसमें मिला है जेफरी सी हॉल को, माइकल डब्ल्यू योंग को और माइकल रोसबश को। इकोनॉमिक्स में मिला है रिचर्ड थैलर को। एक बार सभी पर नज़र दौड़ा लीजिएगा अच्छे से। एक पीर पंजाल दर्रा के बारे में पूछा था, तो पीर पंजाल दर्रा के बारे में अगर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में है। दर्रे से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर GS MCQ में जाकर चेक कर सकते हैं। इस दर्रे में कुछ ट्रिक के साथ बताया हूँ, आप वहाँ पे देखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन सा दर्रा किस स्टेट में है, ठीक है। तो दर्रा से था, तो पीर पंजाल दर्रा था, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जो जिला अगर दर्रा पूछेगा वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। एक था लाल रक्त कणिका का जीवन काल यानी RBC रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो इसका 20 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है, लाइफ टाइम। एक और चीज़ जान जाइए, ये भी आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? इसका 2 से 4 दिन तक ही होता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन किया था, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? मैं डेली करंट अफेयर बताता हूँ, उसमें एक्स्ट्रा जो CM का बताता हूँ, लोकसभा सीट वगैरह बताता हूँ, उसमें राज्यपाल के बारे में भी बताता हूँ। तो देख लीजिए आ चुका है, तमिलनाडु का राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। आप डेली अगर करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो देखना चालू कर दीजिए, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। एक था, केंद्रक की खोज किसने की? ठीक है, केंद्रक जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, तो न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। डेट भी याद रखिए। ऊर्जा की इकाई क्या है? ये भी क्वेश्चन में आया हुआ था, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ऊर्जा की इकाई जो होती है जूल होती है, तो इकाई किस चीज़ का इकाई क्या होता है वो एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पूरा नज़र दौड़ा लीजिएगा। प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा था, देख लीजिए प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है CO+N2 होता है। आने वाले एग्जाम्स में वाटर गैस भी पूछ सकता है, वो भी मैं डाल दिया हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है CO+H2, ठीक है। CO+N2 होता है प्रोड्यूसर गैस और CO+H2 होता है वाटर गैस। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा कर दे कि प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो कांच के उद्योगों में प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल होता है, और वाटर गैस का इस्तेमाल कहाँ होता है? ईंधन के रूप में, रबड़ वगैरह बनाने में वाटर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन था, खाने का सोडा का नाम क्या है? ठीक है, खाने का सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, ये भी देख लीजिए, NaHCO3, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो अभी नाम पूछा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है, तो इसे ध्यान में रखिए, NaHCO3।
एक और चीज़ जान जाइए, धोने का सोडा का नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाना और सोडियम कार्बोनेट धोना। इसका फुल, इसका देख लीजिए फॉर्मूला, Na2CO3 × 10H2O। एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखिए, यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे खाना आएगा। बाई लोग जो है घर में जा जा कर खाना पकाती है, बाई जो होती है घर में काम करने वाली, तो इससे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बाई आएगा यानी बाई जो है घर का काम करती है और खाना भी पकाती है, तो ऐसे ये ट्रिक ध्यान में रखिए, खाने का सोडा का नाम आएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। एक और क्वेश्चन था ऐसा, बनिहाल रेल सुरंग, सुरंग तो बनिहाल रेल सुरंग जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। बनिहाल जो जिला और इस तरह का जितना भी आ रहा है, पीर पंजाल वगैरह, दर्रा से भी पूछ रहा है, सुरंग से भी पूछ रहा है, तो दर्रा के ऊपर तो वीडियो सेपरेट बनाए हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। एक किताब का नाम पूछा था, द हाफ व्हाट आई से, पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल मेनन है, ठीक है। हालांकि ये पुस्तक बहुत पुरानी है, आज से 2-3 साल पहले की किताब है, इतना पहले से भी क्वेश्चन उठा के दे दे रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था, KKR टीम के मालिक कौन है? तो KKR टीम के 3 मालिक हैं, शाहरुख खान, जूही चावला, अजय मेहता। तो अदर भी IPL टीम के जो जो मालिक हैं उनका भी नाम एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में पूछ भी सकता है। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली जैसे कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मुझे हाथ लगेगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड ज़रूर कराऊँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।